अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ यार रहमान और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। जो भी फ्रेंड टिकटॉक यूज़ कर रहा है तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे यहाँ से मैं टिकटॉक ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे पास वीपीएन नहीं है, टिकटॉक यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। तो काफ़ी दोस्त वीपीएन लगा रहे हैं जिसका पैर जो है टिकटॉक वर्क नहीं कर रहा है, वो गलत वीपीएन लगा रहे हैं। जब वो अपने टिकटॉक अकाउंट को लॉग आउट भी करते हैं, जब वो फिर वीपीएन लगाते हैं, तो उसका टिकटॉक जो है वो लॉगिन नहीं हो रहे। तो दोस्तों, आप जो है आप बग़ैर वीपीएन के जो है टिकटॉक चला सकते हैं। तो आपने करना क्या है, मैं आपको एक सेटिंग बता रहा हूँ जिससे आप वीपीएन जो है कनेक्ट कर सकते हैं। आप दोस्तों, आपने सबसे पहले ये करना है कि आपकी जो मोबाइल की सेटिंग में, इसमें आपने जाना है और आपने अदर वायरलेस कनेक्शन पर आपने क्लिक करना है। तो आपको दोस्तों, आप जैसे ही नीचे आते, आपको यहाँ पर ये वीपीएन दिखाई देगा। आप जैसे ही वीपीएन पर क्लिक करते, आप ऊपर इस प्लस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आपने दोस्तों यहाँ पर वीपीएन क्रिएट करना है। आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे तो आप वीपीएन क्रिएट नहीं कर सकते। तो आपने दोस्तों नेम में जो भी आपकी मर्ज़ी है आप लिखने हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैं अपना नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। नेम लिखने के बाद दोस्तों, आपको वीपीएन टाइप में जो है पीपीटी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको नंबर 2 वाले पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, इसमें जो है असल चीज़ ये है, सर्वर एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आप कहाँ से ला सकते हैं, तो दोस्तों आपने ये करना है कि आपने इसके लिए जो है क्रोम में जाना है और आपने गेट वीपीएन सर्च करना है। तो सबसे पहले वाला लिंक जो है दोस्तों, आपने इस पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी दोस्तों के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से वो वीपीएन नहीं कनेक्ट कर सकता है। आपने जैसे ही दोस्तों थोड़ा सा इसको सर्च करना है, आपको यहाँ पर जापान बहुत सारे वीपीएन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपने जापान ही वीपीएन सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करते हैं जापान की जो वीपीएन है। आपने इसको यहाँ से चेक करना है। आपको यहाँ पर स्पीड सब कुछ दिखाएगा, तो यहाँ पर सेशन में आप देख सकते हैं जिसका सेशन ज़्यादा है वही वीपीएन जो है यहाँ से सर्वर आपने वो लेना है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं इसका जो है पिंग जो है वो 11 MS है, ठीक है। मतलब इसका जो स्पीड है वो 76.14 MBPS है। तो दोस्तों, मेरे को यही जिसका सेशन ज़्यादा होगा तो आपने वही सर्वर कॉपी करना है। तो आपने यहाँ पर ढूंढ लेना है सेशन जो है वो इसी का ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है, इसका जो है सर्वर आपने कॉपी करना है। इस पर आपने इसको प्रेस करना है और इसका जो है सर्वर आपने कॉपी करना है। अभी जो है आपको दोबारा वही पर जाना है, सर्वर एड्रेस पर आपने इसको जो है टाइप करना है। तो ये पे यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब आपने थोड़ा सा नीचे आना है। आपको जो है ऊपर 2 ऑप्शन छोड़ने, IPsec प्रीशेड, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पर जो है वीपीएन ही लिखना है, ठीक है। वीपीएन इस पर लिखने के बाद आपने जो है ये करना है कि आपने ऊपर सेव पर क्लिक करना है। आप जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पर वीपीएन जो है ज़िया रहमान का बन चुका है। आप जैसे इस पर टिक करते हैं तो आपने यूज़र नेम में भी जो है वीपीएन लिखना है और इंटर पासवर्ड में भी जो है वीपीएन ही लिखना है। अब मैं यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक किया है दोस्तों, आपने जो है यहाँ पर कुछ सेकेंड जो है आपने वेट करना है। तो आपकी जो वीपीएन है वो ऊपर जो है वो एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो वीपीएन यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, फिर वीपीएन यूज़ आपने इसको कनेक्ट करना है। तो आपने थोड़ा सा फ्रेंड वेट लेना है, तो आपकी जो वीपीएन है वो ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से वीपीएन को चला सकते हैं टिकटॉक को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ऊपर वीपीएन जो है कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों, आप भी जो है इस तरह से वीपीएन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।